दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम हुई घोषित। रोहित शर्मा, विराट कोहली सहित 7 दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज कब खेली जाएगी। इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड क्या होने वाला है, कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं, पूरी खबर आज की इस ब्रांड वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम एक के बाद एक इस मौजूदा साल में कई सारी T20 सीरीज खेलने वाली है। हाल ही में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की एक बड़ी T20 सीरीज खेली। अब टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां भारतीय टीम पहले तो टेस्ट मैच खेलेगी, उसके बाद 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाली है, जहां रोमांच अपने चरम सीमा पर देखने को मिलने वाला है। ऐसे में दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय टीम क्या इस T20 सीरीज को जीत पाएगी, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 क्रिकेट के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो अब तक दोनों ही टीमों के बीच कुल 19 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 10 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं, 9 मुकाबले इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम किए हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आखिरी T20 सीरीज मार्च 2021 में खेली गई थी, तब वह 5 मैचों की T20 सीरीज भारतीय टीम ने 3-2 से जीत ली थी। वहीं लगभग पिछले 8 सालों से भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ एक भी T20 सीरीज नहीं हारी है। ऐसे में टीम इंडिया के पिछले आंकड़े बेहतरीन नजर आते हैं। हालांकि इंग्लैंड जैसी बिगेस्ट टीम को भारतीय टीम हल्के में नहीं लेना चाहेगी। इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को दी गई है। वहीं अगर उपकप्तान के तौर पर केएल राहुल को चुना गया है। वहीं दोस्तों, कुलदीप यादव को भी इस सीरीज में मौका मिला है। इस सीरीज के शेड्यूल की बात की जाए तो यह 3 मैचों की T20 सीरीज होने वाली है। इस सीरीज का पहला मैच 7 जुलाई को गुरुवार के दिन खेला जाएगा। यह मैच साउथहैम्पटन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को देखने के लिए आपको अपनी नींद के साथ कंप्रोमाइज करना होगा, क्योंकि इस पहले T20 मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से होगी। इस मैच का लाइव प्रसारण टेलीविजन पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकेगा और मोबाइल पर सोनी लिव एप्लीकेशन के जरिए से देख सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, कौन सी टीम इस T20 सीरीज को जीतेगी, उसका जवाब जरूर दे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड कैसा होने वाला है। सबसे पहले कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में रोहित शर्मा मौजूद नहीं थे, लेकिन अब इस सीरीज में रोहित शर्मा अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ कप्तान के रूप में भी इनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी। आगामी T20 विश्व कप के नजरिए से रोहित शर्मा भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी हैं। इसके अलावा उपकप्तान के तौर पर केएल राहुल को चुना जा सकता है। इस सीरीज से पहले तक केएल राहुल पूरी तरह से फिट हो गए तो इन्हें भारतीय दल में जरूर मौका दिया जाएगा। केएल राहुल हाल ही में IPL 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आए। उससे पहले टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन किया था। इस सीरीज में भी इनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसके अलावा बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा समेत 4 बेहतरीन खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना है, जहां रोहित शर्मा के अलावा टीम में विराट कोहली को मौका मिलना लगभग तय है। पिछले कुछ समय से विराट कोहली काफी अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इस सीरीज में विराट कोहली से वापसी की उम्मीद होगी। इसके अलावा श्रेयस अय्यर को भी भारतीय दल में मौका मिलेगा। हाल ही में दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में अय्यर का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा था, जहां श्रेयस अय्यर ने 5 मैचेस में 94 रन बनाए थे, लेकिन इससे पहले IPL में भी और उससे पहले श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में भी श्रेयस अय्यर ने विस्फोटक प्रदर्शन दिखाया था। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव को भी मौका मिलेगा। IPL 2022 के दौरान सूर्य कुमार यादव चोटिल हो गए थे, जिसके बाद से इन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज में इनकी वापसी होते हुए नजर आ सकती है, जहां पहले की तरह एक बार फिर से सूर्या अपना विस्फोटक प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल समेत 3 बेहतरीन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। केएल राहुल के अलावा ऋषभ पंत को मौका मिलने की पूरी संभावना है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में ऋषभ पंत को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई थी, जहां ऋषभ पंत ने अपने कप्तानी और बल्लेबाजी में कुछ खास प्रदर्शन दिखाया नहीं था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज में वापसी करे। इसके अलावा तीसरे विकेटकीपर के रूप में संजू सैमसन को मौका मिलने की पूरी संभावना है। हाल ही में हुए IPL में संजू सैमसन ने काफी शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन 13 T20 मुकाबलों में 174 रन ही बना पाए हैं। वहीं ऑलराउंडर के रूप में 2 दिग्गज खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस T20 सीरीज में रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को मौका मिलने की संभावना है। दोनों ही
ऑलराउंडर क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय टीम की तरफ से बिल्कुल फिट बैठते हैं। वहीं हार्दिक पांड्या को आयरलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी भी सौंपी गई है। इससे पहले IPL 2022 में हार्दिक पांड्या बल्ले और गेंद के साथ बेहतरीन प्रदर्शन दिखा चुके हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी अपनी स्पिन गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर दोस्तों स्पिनर गेंदबाज के तौर पर युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। हाल ही में हुए IPL में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जहां युजवेंद्र चहल ने तो सबसे अधिक विकेट हासिल करके पर्पल कैप जीता था। इसके अलावा कुलदीप यादव ने भी बेहतरीन दम दिखाया था, जिसकी वजह से इन दोनों ही यानी कि कुलचा की जोड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी करते हुए नजर आई है। इसके अलावा चार तेज गेंदबाजों को भारतीय टीम में जगह मिलेगी। वहीं दोस्तों मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से वापसी करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही तेज गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा चुके हैं। इसके अलावा हर्षल पटेल और उमरन मलिक को भी मौका मिल सकता है, जहां हर्षल पटेल ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में सबसे अधिक 7 विकेट हासिल किए थे। तो वहीं पर दोस्तों युवा गेंदबाज उमरन मलिक को इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम में जगह तो मिलना लगभग तय है। कुछ इस तरह से भारत का स्क्वाड होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इंग्लैंड को भारतीय टीम हरा पाएगी? उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।